रणबीर कपूर एक फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं। इनकी दिल की रेखा पे एक ब्रेक दिखाई देता है। इस दिल की रेखा पे जो ब्रेक दिखाई देता है उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एक सिंपल सी दिल की रेखा पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। एक सिंपल सी दिल की रेखा इस टाइप से दिखाई देती है, जो पूरी होती है, जिसपे कोई ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिमाग की रेखा है। अब जो ब्रेक इनकी रेखा पे दिखाई दे रहा है, वो आप ये नोटिस कीजिए कि यहां से आ रहा है एंड हो गया है और वापस से एक रेखा नई स्टार्ट हुई है। अब ब्रेक जब भी होता है दिल की रेखा पे, तो उसका एक सिग्निफिकेंस हो जाता है। ब्रेक का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर जो है, एक एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है। आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, आपकी पार्टनरशिप्स में एक एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है। मतलब सडनली एक रिलेशनशिप में है, उसको एंड करके आप दूसरी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये एक इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप होती है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि ये क्या लाइफ लॉन्ग रहेगा ट्रेंड, या ये कुछ ही समय के लिए है। इसको समझाने का तरीका यह है कि ये दिल की रेखा है। किताबों में कैसे बताया, सबसे पहले मैं वो बताता हूं। यहां पे 0 एज है और यहां पे 100 ईयर्स एज है। बीच में लगभग यहाँ पे 50 की एज है। ये 50 से पहले का है, ये 50 के बाद का पोर्शन है, मतलब कि इस टाइप से। तो आप ये देखें कि लगभग इनकी जो ब्रेक आ रहा है, थोड़ा सा पहले की तरफ आ रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेट अगर लेते हैं, तो लगभग 40-45 की एज हम ये कहेंगे कि जिस समय पे ये ब्रेक दिखाई दे रहा है। अब द प्रॉब्लम इज कि उस तरह से, जिस तरह से किताबों में बताया है, वो कई बार अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये जो टाइमिंग हमने बताई है, मेरे हिसाब से तो ये होता है कि अगर ये ब्रेक कहीं पे भी इतना मेजर ब्रेक होता है, तो इसका इम्पैक्ट लाइफ में कभी भी आ सकता है। कभी भी, कभी भी का मतलब होता है कि यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब कि 20-25 साल में भी आ सकता है, 30 साल में भी आ सकता है, 40 में भी आ सकता है, 50 में भी आ सकता है, 60 में भी आ सकता है, 70 में भी आ सकता है, 80 में भी आ सकता है। एक ये टेंडेंसी व्यक्ति की लाइफ में रहती है, जो एक एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है इस टाइप की सिचुएशन के अंदर। जब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, और ये ब्रेक कहाँ पे आ रहा है, इनकी सूर्य की उंगली के नीचे यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी रेखा के बारे में, जैसे इसकी दिल की रेखा का है, तो दिल की रेखा किस चीज के लिए जानी जाती है? एक नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा कि ये आपकी रेखा है, लव लाइफ की रेखा है, रिलेशनशिप की है, पार्टनरशिप की है। और जब हम दिल की रेखा को लोग लेते हैं, तो व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति ये सोचता है कि केवल और केवल ये मेरी लव लाइफ के बारे में बता रही है। लेकिन इनफैक्ट ये आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बता रही है। हर एक एस्पेक्ट का मतलब यह है कि चाहे तो आपकी रिलेशनशिप आपके माता पिता से, भाई बहन से, आपकी फ्रेंड से, आपकी कलीग से, आपकी लव लाइफ और आपके बच्चों से भी, तो इस सभी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिकेशन दे रही है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि ये दिल की रेखा है, ये आपकी फिजिकल दिल की भी कंडीशन बता रही है। सो जब एक ये ब्रेक इस टाइप का होता है, आपकी दिल की रेखा सूर्य की फिंगर के नीचे इस टाइप का जो ब्रेक यहाँ पे देखा गया है, तो या तो हम कहते हैं आई रिलेटेड इश्यूज, या हम कई बार कहते हैं हार्ट रिलेटेड इश्यूज। एंड स्पेसिफिकली वो उस समय पे और ज्यादा हो जाता है अगर ये वाला इलाका आपका कुछ ज्यादा ही गद्देदार हो। ज्यादा गद्देदार होएगा तो आप ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा रिच खाना खाएंगे। जब ज्यादा रिच खाएंगे तो मोटे होएंगे, कोलेस्ट्रॉल होएगा, कई सारी जो चीजें होंगी वो होने के चांसेस हो जाते हैं। ये गारंटी किसी में नहीं है, ये मत मान के चलिए कि ज्यादा बहुत एक्सेस में होएगा तो 100% ऐसा ही होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये सब चीजें, बट दीज आर जस्ट टेंडेंसीज। सो इस ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए जब इस टाइप की ब्रेक दिखाई देता है। और रिलेशनशिप में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी, अब इनके बारे में जैसे कि कई बार मीडिया में आता है, मीडिया में कई बार गलत भी चीजें होती हैं, सही भी होती हैं, वी रियली डोंट नो। पर इनकी, जैसे कि इनके जो फादर ने एक दो बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, कहा कि हमारे रिलेशन मतलब कि एक अलग टाइप के थे, मतलब कि एक नॉर्मली एक उसमें, और इनके बीच में हल्का सा खिंचाव सा दिखाई देता है, तो प्रॉबेबली ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि
कि जब इस टाइप की होती है, और इनकी कई सारे रिलेशनशिप्स में ब्रेक आया है, सो वो भी एक इंडिकेशन हम देख सकते हैं जब इस टाइप का ब्रेक होता है और एंड व्यक्ति सडनली एक रिलेशनशिप को एंड करता है, दूसरे को शुरू कर देता है। और कई बार ये वर्क प्रोफाइल के अंदर भी एक एब्रप्ट एंडिंग कर लेता है, एक काम को करता हुआ जा रहा है और सडनली एक काम को वो एंड किया और नया काम को शुरू कर दिया। सो इस टाइप की रेखा को थोड़ा सा बुरा माना गया है, लेकिन एक दो जगह प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कुछ एक टॉप का डॉक्टर था, उनके भी हाथ पे एक टॉप का एक एक लॉयर था, उनके भी हाथ पे, और हो सकता है इनके भी हाथ पे वो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि पहली रेखा तो आप ही देखे कि एज ऑफ दी पाम से चलती हुई, यहां से चलती हुई आपकी दिल की रेखा रही है, जैसे सभी की चलती हुई आ रही है, इसी टाइप से चलती है, नॉर्मली ऐसी जाती है। लेकिन जो नई रेखा है, हो सकता है अगर ये पॉइंट करते हुए मर्करी की तरफ से आ रही है तब इसको अच्छा कहा जाता है, अगर ब्रेक भी है तब भी हम इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे। तो एक टाइप से मर्करी होता है प्लैनेट फॉर स्केल कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन, तो अपने काम के अंदर महारत या ये सब चीजें भी इंडिकेट करता है। दूसरा भी एक और तरह से मैं कहता हूं, जो किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूं, मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल के रूप में हमने एक नॉर्मल सी दिल की रेखा ड्रॉ कर दी, ये दिमाग की रेखा है, ठीक है, ये वाली आपकी दिमाग की रेखा है। अब एनर्जी पेनिट्रेट करती है फिंगर से, एनर्जी लाइट करंट वॉट एवर यू मे कॉल इट पेनिट्रेट करता है फिंगर से और वो आगे जाती है, आगे जाके जब ये लाइन होती है तो यहां से उसको मौका मिलता है इस तरह से डायरेक्शन से जाने का, तो दूसरे प्लैनेट्स जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, यहाँ वाले प्लैनेट्स और यहाँ वाले जो प्लैनेट्स हैं उन वो इंटरमिंगल, इनकी एनर्जीज इंटरमिंगल करती हैं, एंड हर एक की क्वालिटी अलग 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 है। जैसे वीनस की क्वालिटी एनर्जी स्टेमिना वाइटैलिटी ग्रेस है, यहाँ पे इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन है, ये टेनेसिटी कूलनेस कामनेस है, ये एंगर एग्रेशन है, ये भक्ति भाव है, एंड दिस इज द एरिया फॉर ये है इलाका आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन का, ये बिजनेस का है, ये क्रिएटिविटी आर्ट म्यूजिक का है, और ये आपका कम्युनिकेशन का। तो ये इंटरमिंगल करने के लिए इनको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा या यहां से होते हुए ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे एनर्जीज को। लेकिन अब इनके हाथ में क्या हुआ है, अब उसको देखिए कि आप ये देखिए कि इनके हाथ पे ये जो ब्रेक आ गया है, तो जो एनर्जीज को इतना लंबा रास्ता ले रहा पड़ रहा था, अब वो यहीं से ही आराम से जा रही है और यहां से लेके यहां पे जा रही है। सो इस वजह से प्रॉबेबली ये एक अच्छा साइन मान सकते हैं, लेकिन सर्टेनली मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो इसको अच्छा नहीं मान के चलूंगा। मैं कहूंगा एक नॉर्मल सी रेखा हो वो ज्यादा अच्छा है, ना कि इस टाइप की रेखा हो। हर रेयर रेखा को, रेयर का मतलब है कि जो कुछ ही लोगों के हाथों पे दिखाई देती है, उसको अच्छा मान लेना कोई, देखिए मैं तो उसको अच्छा नहीं मान के चलूंगा कि अगर ये एक बहुत फेमस एक्टर के भी हाथ पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर रेखा उनके हाथ पे अच्छी मानी जाएगी। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता होगा, इनके हाथ पे ऐसी क्या विशेषता है, कैसी क्या विशेषता है जो इतने फेमस एक्टर हैं। अब ये भी चीज बता पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, देखिए बताने के लिए तो कुछ व्यक्ति कुछ भी बताएगा कि फेमस कि ये 50 रीजन दे देगा, ये बहुत उठावा है, शुक्र बहुत उठावा है। अब शुक्र तो बहुत लोगों का उठावा हो सकता है, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है एक एक्टर एक्ट्रेस के हाथ में, लेकिन ये किसी भी प्रोफेशन के लोगों के हाथों पे अच्छा हो सकता है और अच्छा माना जाएगा फॉर सक्सेस, ठीक है। सो और कई लोगों का इनसे भी ज्यादा ये इलाका उभरा हुआ रहेगा। सो ऐसी कोई मेरे कोई भी विशेष या तो रेखाएं इतनी साफ सुथरी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक चीजों को पिन पॉइंट कर पाऊं, और क्योंकि देखिए ये इनके ग्रैंडफादर, दादा और फादर इसी प्रोफेशन में रहे हुए हैं, तो उसका तो इन्हें काफी कुछ बेनिफिट मिला है। तो ये भी चीजें वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट जब हम एक पाम की रीडिंग दे रहे होते हैं। और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब कि जिसमें एक रिचनेस दिखाई देगी कि मतलब वो बना ही इस सब चीजों के लिए है, उनके हाथों पे ये और बहुत ही क्रिएटिव होएगा, दिमाग की रेखा नीचे डिप कर जाएगी, इमेजिनेशन ये ब्यूटी एंड ग्रेस आ जाएगा, ये इलाका आ जाए, हो सकता है एक इधर दिल की रेखा के साथ साथ एक ऐसी सर्कुलर रेखा भी आ जाएगी, वो भी अच्छा माना जाएगा, वो थोड़े से व्यक्ति को थोड़ा सा डिफरेंट कर देगी। और दिल की रेखा हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो जाए तो वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, तो वो ज्यादा इमोशनल होगा तो ज्यादा इमोशंस डिपिक्ट कर पाएगा।
कई सारी, और सूर्य रेखा हो सकता है कईयों में अच्छी हो, और बुध की रेखा अच्छी हो तो बहुत ही अच्छा मान के चलते हैं। एक छोटी सी रेखा हो यहाँ पे हो, या एक लंबी सी रेखा ऐसे आ रही हो, तब भी अच्छा मान के चलेंगे। फॉर पीपल इन एक्टिंग फील्ड, वो डिलीवरी अच्छी कर पाएंगे, याददाश्त उनकी अच्छी होगी। अगर रेखा, ये इलाका आपका उभरा हुआ रहेगा, गद्देदार रहेगा बुध का इलाका, तो एक जगह नहीं कई सारी चीजें देखनी चाहिए। अब ये तो क्योंकि फेमस फादर किस के बेटे हैं और इनको एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट इज गुड। मतलब कि ऐसा सब चीजें मिली है, व्यक्ति अपना वही तो प्रोफेशन लेता है जो उनके फादर का प्रोफेशन है, ज्यादातर लोग। ठीक है, उन्होंने भी ये लिया तो इसको इनका बेनिफिट मिला, कई सारे कॉन्टेक्ट मिले, कई सारी चीजें मिली, और इनका एक एक्सपोजर अच्छा मिला। सो इस वजह से इस हाथ में मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर पाऊंगा किसी भी वे में कि ये क्यों इतने फेमस हुए, क्या वजह है, लेकिन इनकी दिल की रेखा एक यूनिक है। इसी टाइप के दिल की रेखा सुहाना खान, जो शाहरुख खान की डॉक्टर है, उनके भी हाथ पे ऐसी ही दिल की रेखा पाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।